जी आटा चक्की का आटा पीस के एकदम रेडी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिशा जट, की हाल चाल है सब का, कैसे हो, ठीक हो। तो ये गंदम पड़ी हुई है, ये गंदम का थैला ना भर दिया हुआ, पहले पीन वगैरह कर दिया हुआ है, तो इसको ना अब चक्की पर लेकर जाएंगे और वहाँ से ना पे आके पीस के इसका आटा निकाल के ना वापस लेके आएंगे। तो व्लॉग आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, व्लॉग मिस ना कीजिएगा, व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। वह परिंदे जा रहे हैं अपने घरों को, तो अभी शाम का टाइम है, शाम का टाइम, तो व्लॉग करते हैं आज का शुरू। तो अभी मैं सिर्फ थाने लगा हूँ, इस बाइक पे लेकर जाऊंगा मैं आगे चक्की पे। इसका ना सबसे पहले भेज करेंगे और उस दूसरा हफ्ते ना निकालने का लगा। ये है जी आटा चक्की का आटा पीस के एकदम रेडी हो गया। अब थैला बंद कर देते हैं। इधर ना चावल से जो फक हम पंजाबी में उसे बोलते हैं, ठीक है, वो निकल आता है साइड पे, चावल साइड पे निकल आते हैं, तो वो लोड कर रहे हैं अभी, ये देखें थैलों में डाल कर ना लोड किया जा रहा है इस पर, वो अंदर से लेकर आ रहे हैं, देखते हैं। ठीक है जी, ये सारे लोड करने हैं। तो ये जी घर लेकर आ चुके हैं। लो भाई पकड़ो मुंजरा बचा के ते इधर नु आ, आज आ जाओ सारे भाई आ जाओ। वो कह रहा था इतना मोटा और वावा लम्मा कहंदा भाई, ठीक है जरा मार छड़े आओ, ते आओ सब स्नेक मारा उधर यार, वो लेकर आने लगा। किसके साथ मारा? डंडे के साथ मारा, डंडे के साथ, अच्छा खेत में साथ, खेत में साथ लेकर आए थे डंडा भी। सर ये कौन सी नस्ल का सांप है? पता नहीं कौन सी नस्ल का, अचानक ही सामने आ गया था। मेरी तो जान निकल गई। ये वसीम भाई हैं हमारे साथ वाले गांव से। हाँ साथ वाले गांव से, चकमरल से। हाँ ये भाई अभी लंगर पानी कर रहे हैं हम सब यहाँ पर। मुंजी वेच छड़ी है तो मैं क्या की कर दे लाने ने यारा दोस्तों ने पहाड़ने सारा बेच गई है मिठिए, बेच भी गई है तो वेच भी चढ़ी है, 70 फेस गए ने लेट गई है सारी मिठिए यार। उधर भी सारे अड़ोई थी ना जेडी पैली साडी, उधर भी तकरीबन सारीयां ना मुंजियां लेट गईयां ने, इधर भी लेट गईयां। ये निमको तुम खाओ यार, मेरा नहीं दिल कर।
पता लगे क्यों मत दी ये 70 जो है ना एक हाथ से ऊपर उठा लेते हैं। अच्छा भाई उठा लेते हो एक हाथ से अभी तो यहाँ पर नहीं है ना तो कभी टिकटॉक चैलेंज करेंगे नहीं वो नहीं अभी वैसे भाई ये जो 45 है। अच्छा वैसे लगते नहीं है 45 अभी जाएंगे यार एप 45 आंदा है यार सीए मैं हां भी बोलना हूं ये भाई कह रहा था 45 है तो वो भाई कह रहा है कि 35-36 है मतलब कि 35-36 आप यहाँ इस यही होगी है तक। ये भाई अब लेकर जा रहा है कहीं पे गड्ढा खोद के ना उसमें ना डाल देगा। ये देखो कितनी मुश्किल पेश आ रही है ये साड़ी लेट गई हुई है देखो वो खड़े होकर ना वो जवान शेर है जो खड़े होकर उससे बैठा नहीं जा रहा शायद काफ़ी थक गया हुआ है। ओ हेलो बच के आराम से करो कोई नहीं। असल में ना बारिश वाला सीन हो गया है तो मौसम हो गया बारिश वाला तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि बारिश ना आ जाए। और दूसरी बात कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आज ना सेमीफाइनल मैच है तो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे आज। ओ भाई जल्दी जल्दी कर लो जल्दी जल्दी कर लो बारिश आ गई है बारिश आ गई है जल्दी करो वो तो भाई खड़े होकर लगा हुआ ये भाई खड़े बैठ गया अभी ठीक है भाई जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी काम फिनिश करो काम पे टांग रही है इसलिए खड़ा है। हल्की हल्की बूंदें पड़ना शुरू हो गई हैं और पहले फसल की कटाई लगे हुए थे लेकिन अब जा रहे हैं वापस कह रहे हैं कि बारिश अगर बारिश वाला सीन हो गया तो यहीं पे भीग जाएंगे हम तो अभी जा रहे हैं मैच देखेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है आज सेमीफाइनल वो भी देखना है। जट जमीन दा रिश्ता लोको सारे रिश्तों तो आला इस जमीन च इतिहास समाया जटा दा सारा। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी तो हम ना इधर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं ये सभी भाई देखो यार तकरीबन यहाँ पर बारिश हो रही है काफी ज्यादा ये देखें आगे बारिश हो रही है ऊपर भी पड़ रही है बारिश तो यहाँ पर ना थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। सर्दियों की पहली बारिश जी सर्दियों बाहर वी पी ये था हमारा आज का ब्लॉग उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब वीडियो कर दें लाइक एंड शेयर थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़।